पश्चिम हिमालय से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से भी नीचे यानी 4.1 डिग्री हो गया और साथ ही मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है कि अगले कुछ दिनों में दिल्ली का तापमान यानी दिसंबर के आखिरी हफ्ते आते आते दिल्ली का तापमान 2 डिग्री तक जा सकता है। बुधवार को यानी आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक पहुँच सकता है। लेकिन इस सब के बीच बढ़ती सर्दी और लाखों हजारों की संख्या में जो किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं और दिल्ली के अंदर जिस तरह से लगातार जो नाइट शेल्टर होम्स हैं वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने ये भी पूर्वानुमान लगाया है कि सर्दी अगले कुछ दिनों में लगातार बढ़ती जाएगी। ऐसे में जो सरकारी इंतजाम है वो किस तरह से है उसका एक रियलिटी चेक करने के लिए इस वक्त हम दिल्ली के कश्मीरी गेट पे हैं और यहाँ पे जो शेल्टर होम्स हैं उनका हमने जायज़ा लिया है। इस शेल्टर होम में रहने की जगह 50 से 100 बेड अभी लगे होंगे, अगर हम मैक्सिमम कहें तो इतने बेड लगे हुए हैं, लेकिन इसके बाहर और अंदर तकरीबन सैकड़ों की संख्या में लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे रात गुजारने के लिए आते हैं और उनके लिए जिस तरह का इंतज़ाम होना चाहिए वो इंतज़ाम फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। ठंड में दिक्कत होती है यहाँ पर, क्या रहता है इंतजाम? शाम बजे में सोते हैं। हाँ, यहाँ सोते हैं, टेंट में सोते हैं। पिछले 2-3 दिनों में ज़्यादा ठंड हुई होगी यहाँ पे। हाँ, तो लोगों को दिक्कत हो रही होगी। कैसा इंतजाम रहता है यहाँ पे? सही रहता है। कितनी दिक्कत हो रही है? सब बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पर ठंड की वजह से। तो जो हम जैसे सोते हैं सेंटरों में उनके लिए तो सुविधा है कि भी कंबल है, गद्दा है, तकिया है, सब कुछ है, लेकिन जो बाहर सोते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। काम वाम करने वाले लोग हैं? नहीं नहीं, यहाँ पे टोट भी काम करने वाले ही इंसान है, लेकिन काम भी सीजन टू सीजन आता है, शादी ब्याह के काम पे जाते हैं बस। और सबसे बड़ी गनीमत यह है कि भीख मांग के नहीं खाते, मतलब जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों में पारा गिरा है 3-4, बहुत ज़्यादा ठंड मौसम देखे हुए हैं। इस टाइम में भी कंबल ओढ़ के बैठे हुए हैं भैया और अच्छे ढंग से, मतलब बस इतना है कि यहाँ पे सेंटरों में जो बंदे हैं सिर्फ उनके लिए सुविधा है, जो भाव है उनके लिए सुविधा नहीं है। जो बाहर सो रहे हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। कितने लोग रहते हैं भैया यहाँ पे अंदर? अभी तो फिलहाल कोई नहीं है, फिर 22-23-24 आदमी रहते हैं रात को भी। लेकिन बाहर तो बहुत लोग बैठे हैं, बाकी लोग कहाँ रहते हैं? सेंटर बने हुए हैं ना सारे, अभी वो तो सब बंद पड़े हुए, एक ही चल रहा है ये तो? नहीं, अभी रात को देखो सारे चल रहे। नहीं, मैं तो आया था रात को भी, यहाँ पे एक दो में ही चल रहा है, बाकी तो सब बंद पड़े हुए। ये जितने टेंट वाले सारे चल रहे हैं और इधर के सो लोग बाहर रहते हैं, उनके लिए क्या इंतजाम है? बाहर वालों के लिए भी जुगाड़ है, अभी बस अड्डे पे बना हुआ बड़ा सेंटर, उसमें भी रह रहे हैं और भी बन रहे हैं। केयरटेकर हो यहाँ पे? नहीं, हम तो देखरेख के लिए। देखरेख के लिए हो ना? हाँ। तो ये जो ठंड बढ़ी है उससे लोगों को दिक्कत हो रही है, इंतजाम पूरा है? अभी तो फिलहाल दिक्कत है, लेकिन हो रही है कोशिश, सही चल रही है अभी। जो बाहर लोग रह रहे हैं उनको ज्यादा दिक्कत? अभी ये तैयार होने वाला बड़ा सेंटर नहीं है, आप लोग बाहर बैठे हुए हैं, अंदर रहने की जगह नहीं है क्या यहाँ? नहीं, अभी मतलब फुल है बसेरा, रैन बसेरा फुल है। कितने लोग रहते हैं अंदर पे? मतलब 24 घंटे में पूरा फुल है, अभी इसमें ओवर हो रहा है, आदमी नहीं है। आप लोग को इसलिए बाहर रहना पड़ रहा है? हाँ। और ठंड बढ़ गई है, ऐसे में तो बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत है, कोई व्यवस्था नहीं है, यही इधर उधर सो रहा हूँ। क्या काम करते हैं? बस यही कड़िया उड़िया के काम कर लेते हैं, लेबर ओबर का। तो रात में तो बहुत दिक्कत होती होगी? ठंड लगता ही है, ठंड लगता अपना है। इंतजाम है? हाँ। ये सरकार की तरफ से कुछ किया है? नहीं, कुछ नहीं। अंदर नहीं जगह है? नहीं है जगह जी। तो आप लोगों को बाहर ऐसे सड़क में गुजारते हैं रात? रात में सोते हैं, बाहर में सोते हैं। पार्क में सोते हैं? बाहर में सोते हैं। बाहर में सोते हैं तो बहुत ठंड लगती होगी, कैसे काम कर पाते? क्या करेंगे, बस एक चादर है वही से सोते हैं। और इसी से काम चला रहे हैं? जो अट्टे कट्टे लोग हैं, जवान हैं, उनको जगह मिल जाती है, और जो ये बेचारे बूढ़े बाड़े हैं इनको जगह लेने नहीं देते, कि वो जबरदस्ती धक्का दे देते हैं भाई, इतना है। ये बेचारे बाहर रह जाते हैं, वो लोग अंदर घुस जाते हैं। क्यों जबरदस्त, मतलब रात को ही घुसने देते हैं? दिन भर नहीं, दिन में तो सर ऐसा है कि धूप निकल जाती है इसलिए हम लोग बाहर बैठ जाते हैं, लेकिन रात में ये है कि ये लोग खाने के चक्कर में, इधर के चक्कर में रह जाते हैं, तो बड़े बड़े जवान जो हैं वो अपने घुस जाते, लेकिन कोई सेंटर वाला मने नहीं करता सोने के लिए, कोई मने नहीं करता। दिल्ली की सर्दी में गरीबों का क्या हाल होता है, खासतौर से जो रेड़ी पटरी वाले मजदूर हैं जो दिन भर काम करते हैं, उनकी क्या हालत होती है,
वो इस वक्त हम आपको दिखा सकते हैं। ये दिल्ली के आईएसबीटी का इलाका है और ये ठीक मेरे पीछे ये शेल्टर होम बना हुआ है, लेकिन इस शेल्टर होम में जगह नहीं है और जो गरीब लोग हैं वो अपना दिन किस तरह से गुजारते हैं, उनके रहने की का कि क्या क्या इंतज़ाम किया गया वो आप देख सकते हैं। मैं अपने पीछे भी दिखाऊंगा कि किस तरह से सैकड़ों लोग यहाँ पे पटरी पे रात गुजारते हैं, पटरी पे हैं। और आप देख सकते हैं कि इन लोगों का ये कहना है कि ये जो शेल्टर होम है इसमें बहुत कम लोगों के रहने की जगह है, ऐसे में रात को इन लोगों को यहीं बाहर पटरियों पे सोना पड़ता है क्योंकि अंदर महज कुछ लोगों के रहने की जगह है। और इनका ये कहना है कि जो हट्टे कट्टे लोग हैं वो इस जगह को कब्जा कर लेते हैं और ऐसे में जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनको यहाँ रहने की जगह नहीं मिलती है। और ख़ासतौर से ये जो शेल्टर होम है इनमें से भी कुछ ही शेल्टर होम फ़िलहाल काम कर रहा है और बाकी का शेल्टर होम कोरोना काल में जल जाने की वजह से यहाँ पे अभी ऑपरेशनल नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से तापमान गिरा है उसके बाद जो लोग, जो गरीब लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो दिन भर काम करते हैं, उन्हें अपनी रात गुजारने के लिए ऐसे ही पटरियों पे सोना पड़ रहा है। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।